दोस्तों, अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट खराब हो चुकी हैं और आप परेशान हैं कि कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डलवानी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चार सबसे बेस्ट कंपनियों का रिव्यू करने वाले हैं और साथ में आपको उनकी प्राइस भी बताने वाली है कि कौन सी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट आ जाती है वो एटलस होंडा की जापानी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 अदद हमारे पास एटलस होंडा की क्लच प्लेट्स आ जाती हैं और 4 अदद हमारे पास एटलस होंडा की प्रेशर प्लेट आ जाती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, इसका एक दिल बनाया गया है। जो मोटरसाइकिल का दिल है वो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट कहा जाता है, ठीक है। तो अभी एटलस होंडा की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 3350 रुपये में मुकम्मल सेट देखने को मिल जाता है। तो अक्सर जब भी आप अपनी बाइक की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट चेंज करवा लेते हैं तो मैकेनिक हजरात आपसे ये कहते हैं कि आपकी बाइक का क्लच बॉक्स भी ख़राब है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे पास मौजूद है एटलस होंडा कि अगर आप क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डलवा रहे हैं तो आपको एटलस होंडा का ही क्लच बॉक्स डलवाना चाहिए, ठीक है। फिनिशिंग के रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है इसकी। अगर क्लच बॉक्स की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 1150 रुपये में देखने को मिल जाता है। क्लच प्लेट्स डलवाने के लिए साथ में हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो टापा जैन की पड़ती है। टापा जैन नॉर्मल 80 रुपये का इजीली आपको मिल जाता है। तो ये तो हो गया मुकम्मल सेट एटलस होंडा के रिलेटेड। अगर आप एटलस होंडा की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट नहीं डलवाना चाहते तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है FCC की क्लच प्लेट का और साथ में एटलस होंडा की प्रेशर प्लेट का। FCC की क्लच प्लेट होंगी, साथ में प्रेशर प्लेट जो होंगी वो आप एटलस होंडा की यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सेट की प्राइस की बात की जाए तो 2300 रुपये में ये मुकम्मल सेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर 5 क्लच प्लेट होंगी FCC की और साथ में 4 अदद प्रेशर प्लेट होंगी एटलस होंडा की। तो दोस्तों, FCC की क्लच प्लेट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है मिस्टर बिशे की क्लच प्लेट और साथ में मिस्टर बिशे की ही प्रेशर प्लेट। अगर बात की जाए मिस्टर बिशे की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट के मुकम्मल सेट की, तो ये मुकम्मल सेट जो आपको देखने को मिल जाता है 1600 रुपये में ये मिस्टर बिशे का मुकम्मल सेट आपको देखने को मिल जाता है। अभी इसके साथ अगर हम क्लच बॉक्स की बात करें तो वो हम साथ में ISH का रख लेते हैं। अगर ISH के क्लच बॉक्स की बात की जाए तो ये आपको 950 रुपये में देखने को मिल जाता है। मिस्टर बिशे की क्लच प्लेट और ISH का क्लच बॉक्स। ISH की वैसे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट भी देखने को मिल जाती है, लेकिन इस लिस्ट में हमने मिस्टर बिशे की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ऐड किया, जो कि कोई भी ऐड नहीं करता। इससे पहले आपने YouTube पे नहीं देखी होगी और ना ही आपको इसकी प्राइस के बारे में पता होगा। क्लच प्लेट के बाद, मिस्टर बिशे की क्लच प्लेट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है लिफान का। लिफान भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके अंदर आपको सारे पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर भी हमें 5 अदद क्लच प्लेट देखने को मिल जाती हैं और 4 अदद प्रेशर प्लेट मुकम्मल पैकिंग में देखने को मिल जाती है। अभी क्रोलिफान की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मुकम्मल सेट 700 रुपये में देखने को मिल जाता है। इसमें हमने क्रोलिफान का क्लच बॉक्स भी रखा है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 650 रुपये में देखने को मिल जाता है। इसकी भी क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट डलवाना चाहें। अगर क्लच बॉक्स ख़राब हो चुका है वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का डलवाना चाहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।